पाली घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की के जय घोष के बीच शनिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी झोपड़पट्टी मोर्चा के शहर अध्यक्ष परशु ठाकुर की ओर से शारदा चौक जना सुभेदार परिसर में दही हांडी का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए थे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की आदि के लिए घोषणा जय घोष कर दही हांडी फोड़ी गयी, जहाँ महिला और पुरुष ऐसे दही हंडी स्पर्धा साथ ही साथ राधा कृष्ण वेशभूषा स्पर्धा रखी गई थी। इस प्रतियोगिता के लिए दही हंडी स्पर्धा पुरुष बख्शीस ₹3,33,333 और दही हंडी स्पर्धा महिला बख्शीस ₹51,000 रखा गया था। श्री कृष्ण की शिक्षा के अनुसार सभी को मिलजुल कर रहते हुए दही हंडी का गोपाल काला समाज में बांट कर प्रेम भावना बढ़ाने का संदेश इस दही हंडी द्वारा दिया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी झोपड़पट्टी मोर्चा के शहर अध्यक्ष परशु ठाकुर व प्रभाग 32 की पूर्व पार्षद रूपाली ठाकुर इनसे खास बातचीत की है, आइए डालते एक नजर। भारतीय जनता पार्टी झोपड़पट्टी मोर्चा के अध्यक्ष जो है परशु ठाकुर, इनकी ओर से हर साल की तरह इस साल भी दही हंडी का आयोजन किया गया है और इस बार ये स्पर्धा जो है महिला और पुरुष ऐसी भी रखी गई है। क्या बताओगे आज के दही हंडी के विशेष पे? दही हंडी यहाँ एक धार्षिक खेल महाराष्ट्र शासन ने पिछले साल इसको घोषित किया है और विगत 18 वर्षों से हम इसका आयोजन करते आ रहे हैं। लोगों में धर्म के प्रति रुचि रहे और हमारे हिंदुस्तानी जो खेल है वो खेल को लोग समझते रहे, इससे धार्मिक प्रवृत्ति धार्मिक विचार का निर्माण करना और समाज को एकत्रित करना, इस उद्देश्य से हम विगत 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर यह कार्यक्रम ले रहे हैं और निरंतर लेते रहेंगे। महिलाओं ने इसमें आगे बढ़ना चाहिए, महिला आज हर क्षेत्र में आगे है, इस धाड़सी खेल में भी महिला युवतियाँ आनी चाहिए, इसलिए इस बार हमने महिलाओं की दही हंडी का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ महिलाओं की टीम भी आई है और वो अपने दही हंडी फोड़ने की कोशिश उनकी जारी है। महिला और पुरुष ऐसी अलग अलग दही हंडी इस बार आपने बनाई है, इसके लिए बख्शीश भी रखा गया है, क्या बताओ? हम पुरुष की दही हंडी का 3,33,000 बख्शीश यहाँ रखा गया है, महिलाओं की दही हंडी के लिए 51,000 का बख्शीश यहाँ रखा गया है। ये दही हंडी अभी भले ही 40 फुट पे बंधी हो मगर एक समय आने के बाद दही हंडी नीचे आती है और ये टीम उसे फोड़ती है। इसमें सेफ्टी का ख्याल पूरा रखा गया है? जी हाँ जी हाँ, हर तरीके से सेफ्टी का ख्याल रखा गया है। यहाँ पर एम्बुलेंस भी है, इनको कैनरा बैंक के तरफ से इन्हें सेफ्टी किट्स भी दी गई है जिसने सेफ्टी का पूरा इंतजाम हम इनका देख रहे हैं। ये दही हंडी पिछले 17 सालों से 18वां वर्ष है कंटिन्यू में चल रही है, ये ऐसे ही बड़े बड़े होते हैं, जब छोटे इसमें चालू किए थे इतना बड़ा प्रमाण हो गया है और दिन में श्री कृष्ण वेशभूषा छोटे बच्चों की स्पर्धा होती है, रात को दही हंडी होती है और पिछले साल से महिलाओं का भी इसमें अच्छा प्रतिसाद है, तो महिलाओं की भी टीम इस बार दही हंडी फोड़ने के लिए आई है। सभी दही हंडी के सभी मंडल को मैं शुभेच्छा देती हूँ और ये प्रोग्राम इससे बड़ा होते जाए, भगवान की चरणों में प्रार्थना करती हूँ। दही हांडी का पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माखन से भरी मटकी फोड़ने का विधान है। इस घटना से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को याद किया जाता है। दही हांडी का पर्व जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाता है। इस पर्व को मथुरा, वृंदावन, गोकुल और महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसी श्रृंखला में हर साल की तरह इस साल भी भारतीय जनता पार्टी झोपड़पट्टी मोर्चा के शहर अध्यक्ष परशु ठाकुर की ओर से दही हांडी का आयोजन किया गया था, जहाँ दही हांडी के साथ साथ अन्य पारंपरिक खेलों का प्रतिष्ठित भी किया गया, जैसे कि लाठी काटी, तलवारबाजी आदि। आप देख पा रहे हो कि मेरे पीछे यहाँ जो है गोविंदा आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो दही हांडी तक पहुँचने की जो है यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। ऊपर में जो है दही हांडी है और वो दही हांडी जो है फूलों से सजाई गई है, 40 फीट ऊंची ये दही हांडी है, इसके लिए गोविंदा के सेफ्टी का ख्याल भी यहाँ रखा गया है पूरी तरीके से। आप देख पा रहे हो किस तरह से ये ऊपर चढ़ कर ये कोशिश कर रहे है कि आगे ऊपर जाए और दही हांडी को जो है ये फोड़ सके, ये कोशिश में वो गोविंदा जो है
लगे हुए आप देख पा रहे हो कि ये महिलाओं की जो है टीम थी और ये दही हंडी तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। हर साल की तरह इस साल भी जो है परशु ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी युवा झोपड़पट्टी मोर्चा के अध्यक्ष है और उनकी ओर से दही हंडी का आयोजन यहाँ किया गया है। कैमरा पर्सन अजित गोर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।